तो दोस्तों अगर बात की जाए इंजन के बारे में, तो इंजन का जो डिफिकल्ट पार्ट है ना वो ये होता है। ये जो एरिया दिख रहे हैं इसको, यहाँ तो क्या कपड़े मार सकते हैं और शाइन कर सकते हैं जल्दी, बट ये एरिया जल्दी शाइन नहीं करता और सबसे बेकार ये एरिया लगता है। और इसको शाइन करना, ये एरिया शाइन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये तो दिखाएंगे किस तरह से क्लीन करना है ये एरिया, बट ये जो एरिया है वो भी कैसे क्लीन करना है वो भी दिखाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टूल आपको चाहिए। तो दोस्तों कई लोग जो है ना इंजन के ऊपर जो है नॉर्मल वाटर या कॉलिन यूज़ करते हैं, बट उससे ना धूल मिट्टी निकल तो जाती है बट प्रोटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, धूल मिट्टी कुछ टाइम के लिए हो जाएगा, निकल जाएगा और शाइन भी प्रॉपरली नहीं आती है। तो वाटर से मत करिए, वाटर के जो स्प्रे देके शाइन करते हैं ना वो मत करिए, कुछ काम का नहीं आता। एंड उसके बाद कई लोग जो है ना मैट जिनके पास है वो मैट पॉलिश यूज़ करते हैं इंजन के ऊपर। मैट पॉलिश दोस्तों डस्ट क्लीनिंग के लिए है, शाइनिंग के लिए नहीं है। अगेन ये भी प्रोडक्ट जो है सिर्फ डस्ट क्लीनिंग, फिंगर जो मार्क होते हैं, कुछ वाटर मार्क्स पड़ गए हल्के हल्के मैट के ऊपर, उसको क्लीनिंग करने के लिए है। तो हम मैट पॉलिश को जो है हम इंजन पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये है पाउडर कोटिंग, ये है मैट पेंट। पाउडर कोटिंग डिफरेंट होता है, मैट पेंट अलग होता है। पाउडर कोटिंग पे क्या यूज़ करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों कोई भी ऑल इन वन प्रोडक्ट, कोई भी ऑल इन वन प्रोडक्ट इंस्टेंट स्प्रे, ठीक है, कोई भी शाइनिंग प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये जो वेवेक्स का इंस्टेंट पॉलिश है यही नहीं है, बाकी कोई भी आप ऑल इन वन पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। वैक्स मत यूज़ करिए, वैक्स से थोड़ा सा डस्ट जो है ना अट्रैक्ट होती है। ठीक है, कोई भी इंस्टेंट पॉलिश जिससे कि ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट ना हो और वहाँ पर हल्का शाइनिंग भी आ जाए और प्रोटेक्शन भी आ जाए, स्टैंडर्ड ब्रांड लीजिएगा, लोकल ब्रांड मत लीजिएगा, लोकल ब्रांड में आपको कुछ मिलेगा नहीं। एंड हाँ, अब जो बात हमने की थी इसको क्लीन करने के लिए किस तरह से करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए ये ब्रश भी है, मगर ये ब्रश से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड अगर इनके डैडी से अगर लेंगे ये वाला ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या होता है ना सॉफ्ट होते हैं बहुत, ये इसके जो ये देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसको ज़्यादा इंजन विंजन के एरियाज पे स्क्रैचेस भी नहीं होंगे और क्लीन भी जल्दी हो जाएगा। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ जो प्लेन ब्रश है ना वो चलाएंगे, बिकॉज आपको ये एरिया में आप देखेंगे, ये देखिए डस्ट, ये एरिया में डस्ट पूरा लगा हुआ है। तो पहले हम इसको सिर्फ प्लेन जो है वो चला दें ताकि जो डस्ट का लेयर है ना वो निकल जाए। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, क्लीन हमने कर दिया है जो डस्ट ऊपर वाले क्लीन थे, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये पॉलिश लेना है और इसके ऊपर स्प्रे करना है। आप इसके ऊपर स्प्रे करिए, हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, अब हम इससे इसको क्लीन करेंगे। दोस्तों क्लीनिंग एंड शाइन दोनों हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से भी दिखा रहा हूँ आपको और यहाँ से भी देखिए, आप अच्छे से जहाँ पर आपका हाथ प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता ना उस जगह भी अच्छे से क्लीनिंग जो है वो हो गई है। देखिए सभी एरियाज, कई कई एरियाज होते हैं जहाँ पर हाथ पहुँचता नहीं, वहाँ पर ब्रश ने अच्छे से जो है क्लीनिंग कर दी है। अपोजिट साइड भी सेम ऐसे ही प्रोसेस किया हुआ है क्लीनिंग का। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इजीली जो है ना ये इंजन जो है शाइन किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कई बार जब आप इंस्टेंट पॉलिश यूज़ करते हैं ना तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी बन जाती है जिससे कि वाटर मार्क नहीं पड़ता और बाकी चीज़ें इस पर आके जो है थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट जो है हल्का जल्दी लगेगा, बट उसको हल्का सा वाइप करेंगे ना तो वो साफ भी हो जाएगा। एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी बन जाती है जिससे जो यूवी सन रेज होती है ना वो भी डायरेक्टली पेंट पे हिट नहीं करती, पाउडर कोटिंग पे ज़्यादा हिट नहीं करती और जो पेंट है वो भी ड्यूरेबल रहता है। तो आप ये कर सकते हैं बिंदास, कोई भी इंस्टेंट पॉलिश जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल इन वन पॉलिश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का पॉलिश आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। एंड एक और चीज़ ब्रश के बारे में, देखिए आपने ऐसा ब्रश यूज़ किया तो जल्दी हो गया, बट अगर छोटे ब्रश यूज़ करेंगे तो हाँ फिर टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक एरिया में जा के करना पड़ेगा, बट ऐसे ब्रश के साथ में ईजिली हो जाता। तो ऐसा ब्रश रखिए, ये आपके व्हील पर भी काम आ जाता है, ठीक है, फ्रंट एंड रेयर व्हील पे भी काम आ जाता है, वॉशिंग के टाइम पे भी अच्छा काम आ जाता है। ये हार्ड ब्रश नहीं होते, इसके बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसे ब्रश रखिए। ये इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जो पॉलिश है जो इंजन पे यूज़ कर सकते हैं, मैट पे यूज़ कर सकते हैं, ग्लोसी पे यूज़ कर सकते हैं, शाइनिंग पे यूज़ कर सकते हैं, इवन आप क्रोम पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोम के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आ जाएगी, वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्विक कैसे मेंटेन करने अपने बाइक को, ठीक है, तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है ब्लैक इंजन को लेके, कोई भी मैट को
ग्लोसी को, किसी को मेंटेन करने को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉग को, ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट वीडियोज आप ले आती रहेंगी। बाय।